ए क्यों मार रहा है भाई? ओए नहीं 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 डूई भाग भाई। तो हेलो, अरे बस कर भाई। स्वागत है सभी का फिर से एक नए एमिकिन सर्वाइवल के वीडियो में। क्यों इतनी जल्दी फिर से एमिकिन सर्वाइवल की वीडियो? भाई लाइटस गेम प्ले आने वाला था ना, तो भाई बता दूं लाइटस का गेम प्ले रिकॉर्ड हो चुका है, एडिटिंग चल रहा है, कल या परसों के अंदर लाइटस का गेम प्ले आ जाएगा। मजेदार सी गेम प्ले रिकॉर्ड हो चुका है। तो भाई एमिकिन सर्वाइवल गेम पे फिर से एक बढ़िया सी अपडेट आ चुकी है, क्योंकि हमने बोला था कभी अपडेट्स वगैरह की वीडियोस हम बनाएंगे, इसलिए अपडेट आया। तो भाई वीडियो तो बनाना ही होगा ना, बहुत सारे नए नए चीजें वगैरह आए हैं अपडेट्स के अंदर। जैसे स्वाइमेंडर को अभी हम इवॉल्व कर सकते हैं, ये है स्वाइमेंडर का एवोल्यूशन। स्वाइमेंडर भाई इवॉल्व तो करेंगे इसे, और इसी के साथ साथ एक नया एमी डाइस, ये पता नहीं किस तरीके का एमी डाइस है, जो भी है इसको भी देखेंगे गेम के अंदर। इसी के साथ साथ सबसे बड़ा चीज तो ये है कैच इवो 2 एमीज, मतलब सेकेंड एवोल्यूशन के एमिकन्स को अभी हम शायद से पकड़ पाएंगे। तो चलो यार अभी के लिए गेम को सीधा अपडेट करेंगे और सीधा जाएंगे गेम के अंदर, देखेंगे गेम के अंदर क्या सीन चल रहा है। ऑलराइट, तो चलो फाइनली हमने गेम को अपडेट कर लिया। पिछले के जो इमेजेस हमने दिखाए थे वो सभी के सभी एमिकिन सर्वर के ऑफिशियल डिस्कॉर्ड सर्वर के डेवलपर्स ने दिया था, तो भाई मजा आने वाला है। तो चलो अपडेट हो चुका है गेम और ये है चुका है सीन, व्हाट्स न्यू इन वर्जन 0.8 का ये अपडेट है। इसी के साथ साथ देख सकते हो ये तो भाई मुझे वो लग रहा है ना, वो एमिकिन टोकुजा एमिकिन का एवोल्यूशन आया है। ये तो स्वाइमेंडर है, स्वाइमेंडर का एवोल्यूशन स्टेज। और ये दो क्या चीज है भाई, ये दो कुछ तो नया सीन लग रहा है भाई। देखते हैं भाई इसको पहले नेक्स्ट करते हैं, फिर चलते हैं सीधा अगले पेज पे। के तो चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हम आ चुके हैं कैचिंग नेक्स्ट इवो एमिकिन्स, यही तो भाई असली सीन है। एक सेकंड, ये क्या चीज है भाई? ये तो मुझे लग रहा है ना वो इलेक्ट्रिक एमिकिन जैपी का शाइनी वर्जन। भाई सब जैपी का शाइनी वर्जन भी हमें देखने को मिल रहा है इस अपडेट के अंदर भाई। तो देखते हैं क्या हमें वाइल्ड में वो देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है, हम पकड़ पाते हैं कि नहीं पकड़ पाते। तो चलो फिलहाल इसको अभी इधर से भी नेक्स्ट करते हैं। अभी सीधा डायरेक्ट चलेंगे गाइस गेम के अंदर, देखते हैं गेम में क्या क्या चेंजेस वगैरह आए। ओके तो चलो चलो आ चुके हम गेम के अंदर और आते ये क्या चीज है भाई, वेलकम बैक, यू आर गॉन फॉर 11 hours and 32 minutes। और इसके अंदर ओ अच्छा समझ गया भाई, इसके अंदर हम जितने देर तक गेम के अंदर नहीं थे तब तक हमारे एमिकिन्स ने ये सब कुछ क्राफ्टिंग किया है, और इसको अभी हम वीडियो देख के डबल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आ चुका है अपडेट के बाद से। जब तक तुम गेम खेलोगे और उसके बाद गेम को छोड़ के चले जाओगे, एएफके के अंदर तुम्हारे एमिकिन्स काम करेंगे और जितने चीज़ें क्राफ्टिंग करेंगे उसको तुम्हें वीडियो देख के डबल कर पाओगे। फिलहाल के लिए चलो खाने का जो डिब्बा है वो खाली हो चुका है, चलो इसको भर देते हैं और एमिकिन्स वगैरह खाना वगैरह खा लेंगे आके। ठीक है, भूखे हैं तो चलो अभी इधर रात का सीन चल रहा है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है देखने में। ठीक है, तो चलो अभी हम आ चुके हैं टेक्नोलॉजी के अंदर, देखते हैं टेक्नोलॉजी में तो दो नए चीजें आए भाई। किधर चला गया, रुक जा ना। और ये रहा गाइस आयरन माइन, ये आया है नया हमारे गेम के अंदर आयरन माइन, इधर से हमें आयरन वगैरह मिलेगा। और ये है वैक्स हाइव्स, ये एक और नया चीज आया है, वैक्स और आयरन माइन, ये दो चीजें हमारे गेम के अंदर नया आया है, मतलब बेस के अंदर ही है। ठीक है, चलो देखेंगे वो किस कौन सी जगह में है। तो फिलहाल के लिए ये सभी चीजें तो मेरे पास नहीं है क्राफ्टिंग करने के लिए, पर चलो अभी देखते हैं वो है क्या। पर आयरन माइन और अब वैक्स हाइप दोनों चीज़ें नए आए हैं, वो कौन सी जगह में है बेस के अंदर भाई ढूंढना होगा अभी हमें। ओके चलो सामने ये क्या चीज़ है, और ये तो पत्थर का जगह है, स्टोन क्वेरी है इधर। भाई एक सेकंड मैप पे हम देख लेते हैं भाई, ये क्या है वाइट टाइप का कुछ तो दिखा ना इस साइड में, कुछ तो है हमें वाइट टाइप का कुछ तो दिखा भाई, कुछ भी तो नहीं है भाई इधर, कुछ भी नहीं है। ओ एक सेकेंड भाई, ये तो पत्थर का ही वही वाला जगह है। ठीक है, वो वाइट टाइप का ऐसे दिख रहा है इधर, वो पत्थर का जगह है। लेकिन एक सेकेंड, मैप के नीचे राइट साइड में ये क्या चीज़ है भाई, कुछ तो दिखा ना राइट साइड में, चलो देखते हैं ये। और ये तो मिरर वाटर लेक्स में जाने का वो रास्ता है, देखते हैं नीचे कुछ तो हमने देखा। ये भाई ये तो टिम्बर यार्ड है, इधर से हमें वुड मिलता है, इसका जगह चेंज कर दिया भाई, ये तो इस साइड में आ चुका है भाई, ये तो पहले इधर नहीं था भाई। अगर तुमने पहले मेरा वीडियो वगैरह देखा है तो तुम्हें पता होगा ये फर्नेस के एकदम बाजू में था, इस साइड में ये वाली जगह पे टिम्बर यार्ड था जो खाली हो चुका है। अभी टिम्बर यार्ड की जगह को चेंज करके उस साइड में भेज दिया गया है। और अभी नीचे आते हैं, नीचे की साइड में यहाँ पर हमें दिखने को मिलेगा वैक्स हाइप, ये देख सकते हो, ये है सामने हमारा वैक्स हाइप, जो कि एकदम थोड़ा सा नीचे की साइड में मैप पे हमें देखने को मिलेगा वैक्स हाइप। इधर से हमें वैक्स वगैरह मिलेंगे अनलिमिटेड, ये देख सकते हो क्राफ्टिंग करने में ये सारी चीज़ें चाहिए। मेरे पास कुछ जो था मैंने डाल दिया, अभी ये सब तो मेरे पास है नहीं भाई, क्राफ्टिंग कर लेंगे बाद में इनको, पहले अभी देखते हैं वो आयरन माइन किधर है। तो चलो आयरन माइन देखते हैं किधर है भाई, सामने ही तो मैंने देखा ना पत्थर के ऊपर। ओके चलो पत्थर पहाड़ के ऊपर है, माइन वगैरह पहाड़ के ऊपर ही तो होना चाहिए। ये देख सकते हो भाई लाइटें वगैरह आ रही है अंदर से, क्या सोना वोला मिलेगा क्या, ये है पत्थर मतलब आयरन माइन। तो इसको भी क्राफ्टिंग करने के लिए जो चीज़ें चाहिए मेरे पास कुछ है नहीं, जितने भी थे मैंने डाल दिए। तो भाई
तो अभी आयरन माइन और मतलब आयरन के जो चीजें और वैक्स हमें बेस के अंदर से मिल जाएंगे, बस इनको क्राफ्टिंग करने के बाद हमें इधर से अनलिमिटेड चीजें वगैरह मिलते रहेंगे। तो चलो अभी चलते हैं बेस के अंदर। भाई आयरन का जो चीजें हमें इधर से मिलेगा वो मैं दिखा देता हूँ। कौन सा आयरन? भाई आयरन तो इधर ही था, ये वाली स्टोरेज में आयरन रखता हूँ। तो देखते हो, ये देख सकते हो, ये वाला जो आयरन का चीज है, आयरन वो ये हमें हमारे बेस से मिलेगा, वो वाली माइन से जो मैंने अभी दिखाया उधर से। जब तुम इसको क्राफ्टिंग पे डाल देंगे वरना कंप्लीट हो जाएगा, तो उधर से तुम्हें ये माइंस मिलना चालू हो जाएगा। और वुड स्टोरेज में आता हूँ, वैक्स ये देख सकते हो, ये वाले वैक्स तुम्हें उस वैक्स हाइप से मिलेगा। मतलब ये जो चीज़ें अभी तुम्हें कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्राफ्टिंग करने के साथ साथ तुम्हें इधर से अपने बेस के अंदर से चीज़ें वगैरह मिलते रहेंगे। तो चलो भाई, ये सभी तो सेट हो गया, ये अपडेट्स के अंदर हमें देखने को मिले थे। गाइस अभी जो मेन चीज है उसकी तरफ बढ़ेंगे गाइस, मेन मसाले की तरफ गाइस, जो कि है ये रहा गाइस हमारा प्यारा सा बडी, सबसे पहले शुरुआत से हमारे साथ था स्वैमेंडर। तो अभी फाइनली स्वैमेंडर का एवोल्यूशन आ चुका है। अगर तुम पहले से मेरा वीडियोस वगैरह देखते हो तो तुमने देखा है स्वैमेंडर शुरू से हमारा साथ था। स्वैमेंडर को हमने सबसे पहले चूज किया था 3 अमेरिकन के अंदर, तो स्वैमेंडर शुरू से हमारे साथ एडवेंचर कर रहा है। तो भाई इवॉल्व तो करेंगे उसको, लेकिन अभी के लिए रुको जरा, सबर करो। हेलो, करेंगे उसे इवॉल्व, लेकिन फिलहाल अभी हम आ चुके हैं, सीधा जाएंगे एमीगियर लैब में भाई। और इधर जो नया चीज आया है एमी डाइस D8 एडवांस कैप्चर डाइस, हायर सक्सेस रेट फॉर स्किल्ड टेमर्स। ये है एमी डाइस D8 जिससे हम सेकंड इवोल्यूशन के एमिकिन्स को पकड़ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इसको क्राफ्टिंग करने के लिए केमिकल एक्सट्रैक्ट चाहिए जो कि हमारे पास नहीं है। तो भाई नेक्सस के सीड्स है और फायर एसेंस है, लेकिन इलेक्ट्रिक एसेंस नहीं है। तो भाई चीज़ें तो हमें कलेक्ट करना होगा ना क्राफ्टिंग करने के लिए, इसको तो हम क्राफ्ट करेंगे भाई, ज़्यादा तो क्राफ्ट नहीं कर सकते फिलहाल के लिए, 3 या 4 या फिर क्राफ्ट ऐसे कुछ डाइस बनाने की कोशिश करेंगे। पर इससे हम जाएंगे सेकंड एवोल्यूशन के कुछ एमिकन्स को पकड़ने के लिए, देखते क्या हम पकड़ पाते कि नहीं। और उसी के साथ साथ स्वैमेंडर की भी तो इवॉल्व करना है ना, तो बने रहना वीडियो में। सबसे पहले कुछ चीजें कलेक्ट कर लेते हैं, फिर मिलते हैं तुम लोगों से। A few moments later. Welcome back guys. सभी चीजें थोड़ा बहुत तो हमने कलेक्ट कर लिया कि हम एमिडाइज D8 तो अभी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलो यार, सबसे पहले हमारा काम है एमिगियर लैब पे फिर से हम आते हैं। और ये देख सकते हो नीचे एमिडाइज D8 की जगह पे, तो भाई हमारे पास 6 हमने कलेक्ट कर लिया था केमिकल एक्सट्रैक्ट। तो भाई चलो अभी इनको क्राफ्ट पे डाल देते हैं भाई, सीधा काम करने के लिए कोई आ जा भाई, इधर जल्दी से कोई आ जाओ के फ्लेयर विंग आएगा। तो चलो, मैं तो इधर काम नहीं करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ ब्लेजॉन इधर काम करेगा। तो इसके लिए मैं सीधा बिल्डिंग के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और धीरे से जॉयस्टिक को मूव कर दूंगा, और देख सकते हो ब्लेजॉन काम कर रहा है। ये टिप मैंने पहले ही बताया था। तो चलो, हमारा काम अभी कुछ और है, पता है हमारा काम कुछ और है। और क्या काम है वो भी तुम लोगों को पता है, वो है स्वैमेंडर। भाई इसको इवॉल्व करने में ही मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तुम देख सकते हो 40 लेवल का इसका 5-स्टार है ऑलरेडी, 221 इसका पावर है, रेजिस्टेंस पावर है 48%, और इसका पेकर्स है, डैमेज फ्लाइज 5, और इसके साथ वार्ड्स इसका 2 वार्क है, हैंडमैन और एक फार्मर, यही है इसका 2 एबिलिटी। और खाना वगैरह 98 खाता है, और ये सुबह काम करता है। ए रैंक का स्वैमेंडर है हमारे पास फिलहाल के लिए। तो चलो अभी के लिए हम इसे करने जा रहे हैं इवॉल्व, सीधा जाएंगे हम फ्यूजन चैम्बर के। भाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा स्वैमेंडर को इवॉल्व करने में यार, इतने दिन था एक साथ हमारे। तो चलो यार, करना ही तो होगा भाई, इधर इवॉल्व फ्यूजन चैम्बर पर हम आ चुके हैं, इधर सीधा जाएंगे हम नीचे वाले सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, क्योंकि इधर से हमें इवॉल्व करना है। तो ये है स्वैमेंडर, देख सकते हो 40 लेवल का, और नीचे आ चुका है इवॉल्व का ऑप्शन। इसी के साथ साथ टोकुसा को भी तो हम इवॉल्व कर पाएंगे, लेकिन उसको हम अगली एक वीडियो बनाएंगे, उसको लेके वीडियो बनाने का फिर से टेस्टिंग वगैरह करेंगे टोकुसा को लेके। तो चलो अभी के लिए फ्यूजन चैम्बर पे स्वैमेंडर को हम इवॉल्व करने जा रहे हैं। ये है हमारा प्यारा सा स्वैमेंडर जो कि पहले था, तो हमने इसे कर दिया अभी इवॉल्व, और इवॉल्व होने के साथ ये बन चुका है सुई मेजार, 40 लेवल का है। और इसका एक सेकेंड भाई, हेल्थ तो इसका बढ़ चुका है, पावर इसका कम हो गया, और इसकी फार्मर वाली एबिलिटी, एक सेकंड भाई, इसको सबसे पहले हमें फाइटिंग पे लाना, मतलब तो फाइटर बनाना होगा। ब्लेजॉन थोड़ी देर के लिए हम अपने नए पार्टनर को फाइट बुलाते हैं, इसके लिए हमें ब्लेजॉन माफ़ कर देना। तो चलो भाई, हम आ चुके खाली जगह पे, ये है स्वैमेजार, स्वैमेंडर का एवोल्यूशन स्टेज। भाई इससे तो मुझे स्वैमेंडर अच्छा लगा था भाई। अभी के लिए इसका स्टैट्स देखो भाई, पहले इसका स्टैट्स था इसका पावर, ठीक है, 3 अटैक तो इसके पास नए आए हैं, वाटर बीम, टाइडल स्ट्राइक, ये वाला एक नया इसका अटैक आया, बाकी दो तो इसके पास पहले से ही था। लेकिन ये क्या कोई ग्लिच टाइप का हो गया भाई, ये क्या सीन हो रहा है, इसका पावर 188 कैसे हो गया, और इसका रेजिस्टेंस पावर हो गया 38, जो कि इसके एवोल्यूशन पहले था इससे ज़्यादा था भाई। तुमने अगर पहले वीडियो में गौर से नजर दिया तो इसका पावर भाई, रेजिस्टेंस पावर दोनों ज़्यादा था, पर क्या हो गया सीन भाई। भाई मुझे जब तक यकीन था कि इवॉल्व करने के बाद उसका पावर और रेजिस्टेंस पावर दोनों बढ़ जाते हैं, पर इधर क्या सीन हो गया।
अपडेट के बाद क्या ये पावर वगैरह और रेजिस्टेंट पावर वगैरह किसी इवॉल्व अमेरिकन को जब हम इवॉल्व करेंगे कम हो जाएगा क्या ऐसे? मुझे तो नहीं पता भाई, अगर तुमने स्वाइमेंडर को इवॉल्व किया है तुम्हारे साथ भी क्या ये सेम सीन हुआ है? पहले स्वाइमेंडर का जो अटैक और रेजिस्टेंट था इवॉल्व के बाद क्या ये कम हो गया है भाई? अगर ये हुआ है तो भाई मुझे बताना, मुझे तो नहीं पता। पर जब तक मुझे था भाई इवॉल्व करने के साथ साथ अमेरिकन के पावर और रेजिस्टेंट दोनों बढ़ जाते हैं भाई, पर इधर तो कम हो गया भाई। क्या सीन है मुझे तो नहीं पता, पर जो भी है स्वयं सर को लेके हम सीधा जाएंगे एक सेकंड एवोल्यूशन के अमेरिकन्स को पकड़ने, मतलब पकड़ने का ट्राई करेंगे। हमें तो पता नहीं कि भाई पकड़ सकते हैं कि नहीं सकते हैं, तो चलो भाई मे बी अभी तक शायद से फ्लेयर विंग ने अपना काम तो कर दिया होगा। देखते हैं गियर एमिगियर लैब में होके फ्लेयर विंग घूम रहा है, मतलब वो काम कंप्लीट कर दिया है। तो चलो भाई किधर है एमिगियर स्टोरेज, और ये है इसी के साथ साथ एमिडाइस D8 जिसको हमने इक्विप कर लिया। इसी के साथ साथ भाई अभी मजा आने वाला है, क्या हम इसका साथ देख सकते हो? ये है एमिडाइस D8, इसी के साथ साथ हमारी कैच मस्टरी 75 हो चुका है, एमिडाइस के प्लस 65 ऐड हो चुका है, मतलब ये एमिडाइस सच में पावरफुल है। देखते हैं क्या ये सेकेंड एवोल्यूशन के कोई भी अमेरिकन को कैच कर सकता है कि नहीं सकता है। चलो यार अभी चलते हैं देखते हैं क्या होता है। ऑलराइट गाइस, अभी हम आ चुके हैं मिरर वर्टल लेक्स मैप के अंदर इस पहले डाइस को टेस्ट करने। देखते हैं भाई क्या होता है यहाँ पर। जो सेकेंड एवोल्यूशन का अमेरिकन है कोरा लूना, देख सकते हो अभी, देख सकते हो सीन ऊपर भाई परसेंटेज आ रहा है, पहले भाई नहीं आता था सेकेंड एवोल्यूशन के अमेरिकन से। ओके चलो हेल्थ कम हो गया, अभी मैं फेंक रहा हूँ पहला वाला। ओके 58% हो जा, नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ। चलो छोड़ो 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 भाई, छोड़ ठीक है और नहीं यूज़ करूँगा, अभी हमें स्टॉन एकोस और स्टॉन फोर्स प्लेटिंग में भी जाना है। चलो फिलहाल कुरालूना पे तो पहला वाला हम यूज़ किया, नहीं हुआ सीधा, अभी सीधा हम चाहेंगे कैच मस्टर भी, हमने 75 भी है जैसे कि तुम देख सकते हो, वेस्ट वगैरह सब कुछ डैमेज हो चुका है। ए क्यों मार रहा है भाई, ओए नहीं 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 डूई भाग भाई, जाने दो भाई, अभी हम सीधा चलते हैं स्टोन एकोस मैप पे, देखते हैं उधर भी टेस्ट करते हैं। ओके तो अभी है स्टॉर्म फोर्स प्लेटू में, ठीक है देख सकते हो यहाँ पर जो पहले ग्लीच आया था वो अभी ठीक हो चुका है। अभी स्वयंजर का पावर देख सकते हो 241 और इसका रेजिस्टेंस 51 हो चुका है, पहले कम था, शायद से ग्लीच वगैरह हुआ था लेकिन मैंने गेम में रिस्टार्ट करके फिर से अगर आया तो ये हो गया, ठीक है देख सकते हो इसका पावर भी बढ़ चुका है, बाकी सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक हो चुका है। अभी भाई ठीक लग रहा है, ये मेरा सबसे पावरफुल वाटर अमेरिकन बन चुका है, पहले था एक्वालिक्स 234 पावर और स्वयंजर का हो चुका है 241 पावर, ठीक है। तो चलो यहाँ पर मैं सामने तुम्हें और एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पर एमिडाइस D8 मैंने कुछ दो और क्राफ्ट किए हैं, ठीक है तो चलो यहाँ पर देख सकते हो एक चीज़ है, विस्पर्ट को मैं पकड़ने आया था लेकिन विस्पर्ट को ऊपर देख सकते हो इधर क्या दिखा है, एक्वर्स दिस अमेरिकन विदाउट कैचिंग इट, ठीक है मतलब विस्पर्ट को मैं नहीं पकड़ सकता। इसका सीन क्या है, एक रीज़न है कि इसके म्योइंकल विस्पर्ट का पहला स्टेज है, विस्पर्ट मेरे पास तो है नहीं, म्योइंकल को मैंने पहले 5-star भी नहीं करके रखा था, ठीक है तो जिस भी अमेरिकन का एवोल्यूशन तुम्हें कैच करना है उसको तुम्हें मैक्सिमम 5-star करके रखना होगा, फिर तुम उसको पकड़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रिज के ऊपर देख सकते हो ट्विली भी खड़ा है, इसके ऊपर भी वही सेम दिखाया, एक्वायर दिस अमेरिकन विदाउट कैचिंग है। ट्विली का पहला स्टेज है ट्विंकल, उसको भी मैंने 5-star नहीं करके रखा है, तो हो सकता है यही इसका रीज़न होगा क्योंकि पहले मैं कोरालीपा मतलब कोरालूना जिसके ऊपर मैंने फर्स्ट ट्राई किया था उस पर हो गया था क्योंकि हमने कोरालीपा को 5-star किया था। चलो यार सामने की साइड में चलते हैं देखते क्या, एक सेकेंड यहाँ पर एक एम्ब्रिनेक्स है देख सकते हो सामने, और यहाँ पर भी परसेंटेज आ रहा है 8%, मतलब हम इसको भी ट्राई कर सकते हैं। चलो यार अभी स्वयंजर की बारी है, आ जा भाई स्वयंजर, चलो यार देखते हैं क्या इस एम्ब्रिनेक्स को पकड़ पाते कि नहीं। स्वयंजर को हमने मिल लिया, शुरू हो चुका है घमासान फाइट एम्ब्रिनेक्स के साथ। ओके 58% चांस हो चुका है, चलो लेट्स गो, फेंक दिया हमने डाइस, क्या होगा क्या होगा, 44% 62% 81% कम ऑन, नहीं निकल गया निकल गया भाई, अभी सिर्फ थोड़ा ही हेल्थ बचा है, स्वयंजर ने उड़ा दिया, आई मीन स्वयंजर ने उड़ा दिया। चलो यार कोई ना, देखते हैं कुछ और मिलता है कि सामने। ओके तो चलो अभी भी हम हैं स्टोन एकोस मैप के अंदर, ठीक है, और सामने एक और एम्ब्रिनेक्स खड़ा है, पता नहीं क्यों मुझे एक एम्ब्रिनेक्स को पकड़ने का मन कर रहा है, सामने एक और है, चलो यार देखते हैं क्या हम इसको पकड़ पाते हैं कि नहीं। शुरू हो चुका है स्वयंजर के साथ एम्ब्रिनेक्स का फाइटिंग। ओके 58% से नीचे नहीं आ रहा है, चलो यार हमने डाइस फेंक दिया, क्या हो जा भाई 79 हो जाएगा, 80 ये हो जाएगा भाई हो जाएगा, अरे नहीं यार क्यों हो रहा है ये भाई, शायद से मुझे नहीं लगता एक डाइस से हम किसी अमेरिकन को पकड़ पाएंगे। चलो फिलहाल स्टोन एकोस में मैं और ट्राई नहीं करूंगा, सीधा अभी जाएंगे स्टॉर्म फोर्स प्लेटू में, भाई वो मैप तो मस्त किया है, चलो यार चलते हैं सीधा स्टॉर्म फोर्स प्लेटू में। ओके तो गाइस अभी हम हैं स्टॉर्म फोर्स प्लेटू मैप के अंदर, भाई देखने में ये कैसा चेंज सा लग रहा है ना। तो चलो यार सामने एक ब्लेजॉन है, ठीक है
तो ट्राई करेंगे, देखेंगे ब्लेजॉन को क्या हम पकड़ सकते हैं कि नहीं। सिर्फ 3 डाइस हमारे पास है, चलो ट्राई करते हैं। आ जाओ भाई, सामने ब्लेजॉन है, 31 लेवल का है, 6% चांस है। मैंने स्वामेंजर को भेज दिया, चल स्वामेंजर, ओके लेट्स गो, 10%, कम ऑन फाइटिंग, चल अच्छा खासा, 58 हो गया, ओके ऑल राइट, चलो चलो चलो, अभी थोड़ा बहुत हेल्थ बचा है, मैंने डाइस फेंक दिया, कम ऑन, 58%, भाई नहीं हुआ, एक और डाइस फेंकते हैं, चलो लेट्स गो, एक और डाइस फेंक दिया मैंने, क्या होगा, 69, भाई कम हो रहा है भाई, 73, भाई ओ भाई पकड़ लिया हमने, ये क्या सीन था भाई, मैंने सोचा नहीं था पकड़ लेंगे, मैं सच में हमने एक नॉर्मल ब्लेजॉन को पकड़ लिया भाई, एक शाइनी वाला हमारे पास है लेकिन ये है नॉर्मल ब्लेजॉन। इस डाइस से हमने सेकंड एवोल्यूशन के पहले अभी किन को पकड़ा है, ओके सामने एक और है, चलो इसको भी ट्राई करते हैं, क्या होगा भाई, नहीं स्वामेंजर का हेल्थ बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, 8% 12%, नहीं भाई नहीं 21% पे आ गया भाई, पीछा छोड़ दे, ओके चलो छोड़ दिया फाइनली। चलो यार कोई ना, स्वामेंजर का हेल्थ अभी डाउन हो चुका है भाई, कोई ना, हमने एक तो ब्लेजॉन पकड़ ही लिया, देख सकते हो अभी स्वामेंजर का हेल्थ थोड़ा बहुत डाउन हो चुका है, ठीक है। तो चलो अभी थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर करते हैं इधर, ओके तो चलो अभी हम है स्टॉर्म फोर्स प्लेटू में, बोल सकते हो बीच में, लेकिन बीच के थोड़ा साइड में है, लेकिन भाई तुम ये वाली जगह देखो भाई, ये कैसी जगह है भाई, बीच में पानी वानी, उधर से एसिड से वगैरह आ रहा है भाई, ये क्या सीन है भाई, ये क्या बढ़िया लग रहा है ये वाली जगह, सच में बोल रहा हूँ, क्या कमाल का लग रहा है भाई, ये सच में ये अभी तक का बेस्ट मैप मुझे लगा, अंदर क्या पानी वानी है, उधर से एसिड से आ रहा है। तो चलो भाई, यहाँ पर सामने एक स्प्राउट जी मुझे दिखा है, देखते हैं इसको हम पकड़ पाते कि नहीं, 45 लेवल का है। चलो एम्ब्रिनेक्स मैंने भेज दिया, मेरे पास और फायर एमिकन तो नहीं है, ब्लेजॉन काम कर रहा है इसलिए, चलो यार कम ऑन एम्ब्रिनेक्स, हो सकता है हमारे पास सिर्फ एक डाइस है, क्या एक डाइस में स्प्राउट्सी को होगा, मुझे तो नहीं लगता है। चलो यार चलो, इसका हेल्थ कम हो रहा है, मेरे पास थोड़ा बहुत हीलिंग के आइटम्स है, थोड़ा इसके ऊपर यूज कर देता हूँ, कम ऑन एम्ब्रिनेक्स, कम ऑन भाई ना नहीं होगा भाई, इसका हेल्थ तो वैसे भी डाउन हो रहा है भाई, एम्ब्रिनेक्स को नहीं होगा भाई, बिल्कुल भी हेल्थ कम नहीं हुआ इसका भाई, बोल सकते हो सिर्फ 40% कम हुआ है, अभी भी 60% है, इतना 45 लेवल का है, ओके चलो भाई फ्लेयर विंग को भाई थोड़ा बहुत यूज करके देखता हूँ क्या होता है, कम ऑन भाई, फ्लेयर विंग का हेल्थ भी कम है, नहीं होगा स्प्राउट जी, हमें छोड़ दे, नहीं स्प्राउट जी हमें भी नहीं छोड़, चलो यार एक तरफ से अच्छा ही हुआ, ब्लेजॉन को तो हमने पकड़ा, एक सेकंड एवोल्यूशन का है, चलो इसको लेके चलते हैं बेस। ऑलराइट यार, आ चुके हैं फाइनली हम बेस में, लेकिन एक बात है, हमें कोई शाइनी जैपी अभी तक नहीं देखा, हो सकता है फिर कभी देखेंगे जाके। तो चलो यार फिलहाल के लिए एमवीपी जाता है इस वीडियो में स्वामेंजर को, स्वामेंजर ने अच्छा खासा फाइट किया भाई, लेकिन जो ग्लिच आया था वो अभी सॉल्व हो चुका है, अभी के लिए स्वामेंजर मेरा सबसे पावरफुल वाटर एमिकन बन चुका है, ये मेरा फेवरेट पार्टनर भी है, पहले से शुरुआत से एडवेंचर कर ला। लेकिन गाइस जो मेन सीन है ये है हमारा शाइनी ब्लेजन, और ये रहा नीचे जिस एमिकिन को हमें अभी अभी पकड़ के रहा है, सेकंड एवोल्यूशन का पहला एमिकिन है नॉर्मल वाला ब्लेजॉन, और ये वाला डाइस तो सच में बढ़िया है, अगर पहले जो एमिकिन्स के ऊपर हम ट्राई कर रहे थे ना उसके ऊपर भी हम एक साथ दो डाइस अगर फेंकते तो शायद से हम एम्ब्रिनेक्स को भी पकड़ लेते और कूड़ा लूना को भी हो जाता, मे बी, शायद से, मुझे नहीं पता, पर इसके ऊपर एक वीडियो हम बनाएंगे, कोशिश करेंगे जितने भी सेकंड एवोल्यूशन के एमिकिन्स है सबको एक साथ पकड़ने की। फिलहाल के लिए ये है 31 लेवल वाला ब्लेजॉन, ए रैंक का है, 161 इसका पावर है, 45% का रेजिस्टेंट है, और ये है नॉर्मल इसका पिकर्स वगैरह जो भी है ठीक ठाक है। पहले भाई मुझे तो ये अपडेट मुझे बहुत ही अच्छा खासा लगा, और ये है हमारा एमबीपी पोकेमॉन एमिकिन स्वामेंजर। तो आज का वीडियो हम यहीं पर ही खत्म कर रहे हैं भाई, तुम कमेंट में बताना तुमने स्वामेंडर को इवॉल्व किया कि नहीं किया, और सेकंड एवोल्यूशन के पहले कौन से एमिकिन को तुमने पकड़ा जरूर बताना कमेंट में, मैं जरूर देखूंगा। एंड वीडियो अभी तक देख रहे हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो गाइस सब्सक्राइब कर देना, आगे भी और मजेदार से वीडियो आने वाले हैं, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।